नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल संस्कृत मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की अंदर लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बाहर बैठकर वीडियो बना रहे, थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा, प्लीज अवॉइड करिएगा। मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरे हफ्ते आपको एक एक कवि के बारे में बता दूंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के अनुसार, और शनिवार के दिन आपको सभी के संक्षिप्त में नोट्स लिखवा दूंगी, ताकि कोई भी प्रश्न आपका रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से आए तो गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सभी लोग जो मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील हीर जी थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगी कि अपने वीडियोस को कंटिन्यू करूं, और साथ ही आप लोगों से ये चाहती हूं कि जिस तरह के वीडियोस आपको चाहिए या जो भी आपको पढ़ना है या जिस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं उनको आप मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशंस देते रहें, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। ठीक है, निधि जी, तुलसी जी, आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी भाषा साहित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों थोड़ा सा शोर है, उसको अवॉइड करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आगे से वीडियोज़ में ना रहे। तो सबसे पहले मैंने जसवंत सिंह जी के बारे में बताया था। तो जसवंत सिंह जी को अगर हमें रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के हिसाब से समराइज़ करना हो, हम अगर तीन चार ऐसी लाइनें उनके बारे में लिखना चाहें जिससे कि कोई भी प्रश्न आए तो हमें आइडिया लग जाए कि ये किसके बारे में है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो उनके मेन पॉइंट्स हैं, आप चाहिए तो इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो जसवंत सिंह जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, भाषा भूषण अलंकारों पर एक प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा, ये प्रश्न आ भी चुका है। इसे इन्होंने आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं, ये बात कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी जसवंत सिंह के बारे में कि भाषा भूषण अलंकारों का एक प्रचलित ग्रंथ रहा, इसे इन्होंने आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया गया है, अर्थात प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। ये दो विशेषताएं मेन हैं, आप इनको लिख लीजिएगा कि भाषा भूषण एक तीन है, पाठ्य ग्रंथ रहा, दूसरा ये जो भाषा भूषण है जसवंत सिंह ने आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं, और तीसरा ये कि इसमें लक्षण और दो उदाहरण के लिए प्रायः एक ही दोहे का प्रयोग किया गया। अगर ये तीन बातें आपको जसवंत सिंह के बारे में याद रहती हैं तो इससे लगभग जो भी प्रश्न आएंगे वो इतनी तीन लाइनों में ही कवर हो जाएंगे, आप प्रश्न करके भी देख सकते हैं। अगर बात की जाए मतीराम के बारे में, अगर मतीराम को आप समराइज करना चाहेंगे तो मतीराम के बारे में लिखा जा सकता है कि मतीराम की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता, अत्यंत स्वाभाविकता। ठीक है, जो मतीराम की विशेषता है वो जिस पे रामचंद्र शुक्ल जी ने विशेष जोर दिया है वो है सरलता और उनकी स्वाभाविकता। भाषा व भावों की कृत्रिमता से रहित, सट शब्दाडंबरों से मुक्त थी उनकी जो कविताएं थी, उनके जो रचनाएं थी वो भाषा और भावों की कृत्रिमता से रहित थी और आडंबरों से मुक्त, शब्दाडंबरों से मुक्त थी। ठीक है, पद्माकर के अतिरिक्त इतनी चलती व सरल भाषा व्यंजना किसी अन्य कवि में देखने को नहीं मिली। ये अगर आप मतीराम को समराइज करना चाहें तो इतने में समराइज कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बुक में किसी कवि के बारे में आधा पेज, एक पेज, चार पेज तक दिए हैं, इतना सारा याद करना तो बहुत मुश्किल है। अगर ये तीन लाइनें आप याद रखते हैं तो इससे आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर अब बात करें पद्माकर भट्ट की, तो पद्माकर भट्ट के बारे में तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, तो इसमें दो चार लाइनें आपकी बढ़ जाएंगी, लेकिन मैं इतना पक्का कह रही हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, पद्माकर भट्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि मतीराम के रस राज के समान पद्माकर का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यार्थियों दोनों का कंठाहार रहा है।
विशेष बातें हैं। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जिस तरह से मतिराम का रसराज था उसी तरह से पद्माकर का जगत विनोद, रचना का नाम भी याद रखिएगा, जगत विनोद भी का अभ्यासियों और काव्य रसियों का ग्रंथ कंठाहार रहा, मतलब उन्हें अत्यंत प्रिय रहा। ठीक है, ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी भी कवि में नहीं पाई जाती। ठीक है, ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रतिमूर्ति की तरह खड़ी करती है और कहीं भाव या रस की धारा बहाती है। ये थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वो पॉइंट्स भी नोट कर दिए हैं जो पंक्तियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ताकि इनके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ना ना पड़े। रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से अगर पूछा जाए तो आपका इतने में कवर हो जाए, तो जिसके बारे में ज़्यादा लिखा है उसके बारे में दो चार पंक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एक बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से तैयार हो जाएंगे। और कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले शनिवार को मैं फिर से जितने भी आपको कवि या रचनाकार पढ़ाऊँगी उनको एक समरी लेकर अगले सैटरडे मैं फिर आ सकूँ, लेकिन तभी मैं ला पाऊंगी जब आपको ये पसंद आएगा। और आपको पसंद आएगा ये आप मुझे नीचे आया कि नहीं ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ हम लोग बात कर रहे थे पद्माकर भट्ट के बारे में। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा है कि कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रतिमूर्ति खड़ी करती है और कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करती है। भाषा की अनेक रूपता, लाक्षणिकता, अनुप्रास का संयत प्रयोग इनकी विशेषता है। अगर इनकी विशेषता की बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी विशेषताएं बताई हैं, भाषा की अनेक रूपता, लाक्षणिकता और अनुप्रास का संयत प्रयोग, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। ठीक है, ये जो विशेषता है रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके बारे में बताई है, पद्माकर भट्ट जी के बारे में। अब बात करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी के। चिंतामणि त्रिपाठी जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे थे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा कि उन्होंने सभी ग्रंथों पर सभी काव्य के अंगों पर ग्रंथ लिखे, तो चिंतामणि के बारे में कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि चिंतामणि जी ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। ललित अनुप्रास व विशुद्ध ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग किया, ललित सा अनुप्रास और विशुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग चिंतामणि जी ने किया। विषय वर्णन की प्रणाली इनकी मनोहर थी, वास्तव में ये एक उत्कृष्ट कवि थे। रामचंद्र जी शुक्ल जी के अनुसार वास्तव में ये एक उत्कृष्ट कवि थे। इन्होंने कहीं कहीं पर अपना नाम मणिमाल भी लिखा है, ये मैंने आपको वीडियो में भी कई बार बताया था, ध्यान रखिएगा। चिंतामणि त्रिपाठी जी ने कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी लिखा है। ये चार पांच पंक्तियाँ आप लिखेंगे तो चार ही पांच पंक्तियाँ होंगी, और अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो आपके चिंतामणि जी पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। बात करते हैं बिहारी लाल की। बिहारी लाल थोड़ा सा, क्योंकि कई सारे पेजेस में कई सारे पृष्ठों में बिहारी जी का वर्णन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, तो समरी भी बाकी सबसे तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो चलिए देख लेते हैं कि बिहारी जी के बारे में क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिहारी जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। बिहारी के दोहों में मुक्तक कविता के गुण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। आपको ये पता है कि बिहारी ने एक ही रचना की थी बिहारी सतसई, यही उनके जो प्रसिद्धि का आधार था, तो इस चीज़ को आप इजीली याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुणों के हिसाब से होता है। और बिहारी जी के दोहे बिहारी जी की कविताओं में मुक्तक कविता का गुण
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। यह और क्या कहा उन्होंने, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ठीक है, ये भी बिहारी जी के बारे में कहा, क्योंकि इन्होंने ही मुक्तक लिखा और मुक्तक लिखकर इतना प्रसिद्ध हुए, तो इसको भी याद रखने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आगे इन्होंने लिखा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। फिर यहाँ पे मुक्तक शब्द है, मुक्तक क्योंकि बिहारी जी ही मुक्तक लिखकर इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर सके हैं, बिहारी जी को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है, तो ये पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि कवि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसके अलावा इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं, तो ये मुक्तक की ही विशेषता है, तो ये भी आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। बिहारी के दोहों को रामचंद्र शुक्ल जी ने रस के छोटे छोटे छींटे कहा है। भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वस्तु व्यंजना कहीं कहीं औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर खिलवाड़ के रूप में हो गई है, ये भी कहा है बिहारी जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बिहारी जी में गागर में सागर भरने का गुण विद्यमान है। ठीक है, अब दो कवि आपके और बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। भूषण मैंने वीडियो बनाया था, तो भूषण के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। पंक्तियाँ देखिए बहुत अच्छी हैं, बहुत साहित्यिक हैं और पूछी जाएंगी आने वाले जो परीक्षाएँ हैं उसमें, बहुत संभव है कि ये पंक्तियाँ उठा ली जाएँ। ये कवि जो पंक्तियाँ हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण के बारे में कही हैं कि भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। और दूसरा, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों के झूठी खुशामत नहीं कह सकता। अब भूषण और छत्रसाल ने ही लिखा था, छत्रसाल के बारे में ही लिखा, शिवाजी और छत्रसाल के बारे में ही लिखा था भूषण जी ने, तो ये भी आसानी से याद हो जाने वाली पंक्तियाँ हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामत नहीं कह सकता। उसके अलावा, इनकी रचनाओं में व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है, ये बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा। भूषण जी के बारे में कहा जा रहा है कि भूषण की रचनाओं में व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। शब्दों के रूप भी बहुत बिगड़ गए हैं, कहीं कहीं बिल्कुल गणंत के शब्द रखे गए हैं। ठीक है, अब ये भूषण जी ने मेन यहाँ पर व्याकरण के साथ खिलवाड़ किया, ये चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि बहुत पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। उसके बाद आपके एक कवि बचे, कुलपति मिश्र, जिनका वीडियो मैंने आपको दे दिया था, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए ये स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। ठीक है, तो यहाँ पे साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था किसको कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, कुलपति मिश्र को कहा। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के लिए ये साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए ये स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य उपयुक्त तो नहीं होता, इससे कहीं कहीं कुछ गद्यवार्तिक भी इन्होंने रखा। गद्यवार्तिक किसने रखा है, कुलपति मिश्र जी ने। ये इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे ज़्यादातर प्रश्न आपके इसी के बीच से ही उठाए जाते हैं और आगे भी इन्हीं के बीच से उठाए जाने की संभावना है। तो यदि इतने मैंने जितने भी कवियों का कराया है, करीब हो गए 7-8 कवियों के बारे में मैंने बता दिया है, तो ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे। और शायद आपको अभी नहीं लग रहा होगा तो भी आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरी चीज़ है कि मुझे ये लग रहा है कि अगर मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल गई तो बताइएगा, मैं अगले वीडियो में अपनी बोलने की स्पीड को थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगी। और कमेंट्स में
बताते रहिएगा कि आपको आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, सारा कुछ मैं कमेंट्स देखूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका जवाब भी दूं। और आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, आपका साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।